हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुलशन का किचन। और आज मैं अपनी किचन में आप सभी के साथ में नूडल्स बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको आप सहरी के टाइम पर बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी चटपटी बनती है, बनाने में बहुत कम टाइम लगता है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इसको बनाना। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है। तो ऑयल हमारा जैसे ही हल्का सा गर्म होगा, उसमें हम ये एक छोटे साइज़ की प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया, वो इसमें हम डाल देंगे और सॉटे कर लेंगे इसमें। इसको हमें हल्का सा ही फ्राई करना है, बस हल्का सा कच्चापन जैसे ही इसका दूर होगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे। ये एक गाजर है, इसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, क्योंकि गाजर जो होती है ना वो गलने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो इसलिए हम इसको प्याज के साथ में इसको हम पका लेंगे गाजर को। तो इसको भी अच्छे से मिला लेंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको भी हम भून लेंगे तेल के साथ में। तो अभी 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ और सब्जियां, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ये बीन्स है, इसको मैंने छोटे छोटे से पीस में इसको कट कर लिया, वो हम इसमें डाल देंगे। आप यहाँ पर बीन्स की जगह पर हरे मटर आपके पास हो तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये डालने के बाद में अच्छे से मिला लेंगे। 2 हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया, वो हम इसमें डाल देंगे। पत्ता गोभी और टमाटर है, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया, वो डाल देंगे। पत्ता गोभी मैंने यहाँ पर 1 मुट्ठी के आसपास लिया है, और 1 टमाटर को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया, वो दोनों ही चीज़ें इसमें अच्छे से डाल करके मिला देंगे। सब्ज़ियाँ आपके पास जो भी हो वो आप इसमें डाल दें। शिमला मिर्च हो तो आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। जो भी आपके पास सब्ज़ी अवेलेबल हो घर में वो आप इसमें डाल दें। साथ साथ इसमें हम नमक, थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करेंगे, करीब 1/4 टीस्पून से भी कम, और बिल्कुल ज़रा सी इसमें हम लाल मिर्च ऐड कर देंगे, क्योंकि जो ये भी मसाला हम बनाने जा रहे हैं उसमें मसाले जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा कम ही इसमें मिर्च डालेंगे। और हरी मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो मसाला निकलता है यूपी में वो इसमें डाल दिया है, 2 पैकेट मैंने डाला है, क्योंकि मैं 2 पैकेट बनाने वाली हूँ, जो 10 रुपये या 12 रुपये में मार्केट में मिलते हैं। तो ये मसाला डालने के बाद में इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। बहुत ही हेल्दी ये सब्ज़ी के साथ में बनाई जाती है, ये भी बहुत ही टेस्टी बनती है। अब यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून के आसपास, थोड़ा सा कम है 1 टेबल स्पून से, इसमें मैंने वाइट विनेगर डाल दिया है, और इसको ढक्कन से कवर करके इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे पका लेंगे। 1 से 1.5 मिनट के बाद में मैंने इस ढक्कन खोला और उसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है, और मिला देंगे अच्छे से। फिर से ढक्कन से कवर करके इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, जब तक कि हमारी सब्जियां जो होंगी ना वो अच्छे से कुक हो जाएंगी। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं सब्जियां जो है ना वो काफ़ी अच्छे से कुक हो गई हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे यूपी। तो मैं यहाँ पर यूपी बना रही हूँ, अगर आप मैगी हो तो आप मैगी बना लें, जो भी आपके पास नूडल्स हों वो नूडल्स इसमें डाल दीजिए, सेम मेथड से ही बनाने हैं। तो इसको अच्छे से डाल दें इसमें। आप यहाँ पर हाथ से अच्छे से मसल करके भी इसको तोड़ करके डाल सकते हैं, तो इस तरीके से डाल करके हल्के से तोड़ दें इनको आप, और मिला दें अच्छे से इसको, और ढक्कन से कवर करके इसको हम पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसको ढक्कन से कवर कर दिया है, 2 से 3 मिनट के लिए इनको हम पका लेंगे, जब तक हमारी मैगी जो होगी ना नूडल्स वो अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारे नूडल्स जो थे ना वो अच्छे से कुक हो गए। अब हम इन सबको अच्छे से फिर से मिला लेंगे, और सब्ज़ी भी हमारी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। तो ये बहुत ही हेल्दी और बहुत कम टाइम में हमारी नूडल्स बन करके तैयार हो जाते हैं। फिर से इसको कवर कर देंगे और 1 मिनट के लिए और कुक करेंगे। तो ये लीजिए हमारी नूडल्स जो है ना बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार हो गए हैं, बहुत ही खिले खिले से ये बने हैं। निकाल लेते हैं इसको प्लेट में, इसके ऊपर मैं लास्ट में धनिया डाल देती हूँ पत्ती, बहुत अच्छी लगती है ये दिखने में। और ये निकाल लेती हूँ प्लेट में, ये गर्मा गर्म हमारी नूडल्स बन करके तैयार हो गए हैं। इसको आप किसी भी टाइम पर बना सकते हैं, बच्चों के लिए भी या फिर आप बना सकते हैं रमज़ान में, उसको बना सकते हैं सहरी में बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है, बनाने में बेहद आसान है, बहुत कम टाइम लगता है। कम टाइम में आप इसको ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। ये देखिए तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।